ଏସିଓ ସମିଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୋଛ ଏସିଓର ମୁଖ୍ୟ ଆଜେଣ୍ଡା। ଏସିଓର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। अफगानिस्तान परिस्थिति ऊपर संपूर्ण फोकस। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। सेप्टेम्बर 17 तारीख रे काजाकिस्तान राजधानी दुशान बैठारे अनुष्ठित हो जाए छी 20तम सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। एही अधिवेशन रे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल मोड रे एसीओ रो सदस्य मानको संबोधन करथिले। आतंकवाद को मूलपोछ करिबा सदस्य देश मानकर मुख्य एजेंडा ओ एहा सहित आतंकवाद को प्रश्रय देउतिबा देश मानको उपरे कड़ा मनोभाव पोषण एसीओ रो मूल लक्ष्य हेबो बोली कहि एशियन देश मानको मध्यरे उपस्थित थिबा पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को परोक्षरे टारगेट करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। कट्टरपंथी मनोभाव रखुथिबा संस्था मानको विरोध करिबा एशियन देशगुडिकर सुरक्षा दिगरे सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कार्य करुछि। विश्वर विकासशील देश मानकर समकक्ष होई विश्वर शांति स्थापन दिगरे निजर अभिमुख्य को प्रमाणित करि परिछि एसीओ। वर्तमान समय रे अफगानिस्तान रे उपजितिबा परिस्थिति उपरे एसीओर मुख्य फोकस रहिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।